बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द बायोलॉजी वर्ल्ड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 10। सपोर्ट एंड मूवमेंट, दैट इज चैप्टर नंबर 16। सो आज जो है ना वो हमने बात करनी है रिमेनिंग पार्ट की, ह्यूमन स्केलेटन। लास्ट लेक्चर में जो है ना वो हमने ह्यूमन स्केलेटन का एक्सियल पार्ट डिस्कस किया था, आज हम इसका अपेंडिकुलर पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन का जो दूसरा हिस्सा है वो है जी अपेंडिकुलर स्केलेटन। And appendicular skeleton includes pectoral girdle, shoulders, pectoral girdle किसे कहते हैं, shoulders वाले part को, और इसके आगे जो मौजूद हैं हमारे पास four limbs, यानी कि बाजू और हाथ, और उसके बाद है जी दूसरा हिस्सा pelvic girdle। पेल्विक गर्डल क्या है, हिप पोर्शन, और उसके बाद क्या है, हाइंड लिम्स। सो आज जो है वो हम इन दो पोर्शंस की बोन्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी पेक्टोरल गर्डल की बोन्स को। पेक्टोरल गर्डल में बोन्स पाई जाती हैं जी स्कैप्यूला एंड क्लेविकल। ठीक है, दो स्कैप्यूला दोनों साइड्स पे। अब स्कैप्यूला किसे कहते हैं, ये जो हमारी शोल्डर बोन है, बैक साइड पे दो जो हैं वो, अगर बैक साइड से बॉडी को देखें तो इस तरह से दो शोल्डर ब्लेड्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्कैप्यूला। ठीक है, और सामने की साइड से, फ्रंट साइड से अगर हम स्कैप्यूला शो करें तो ये स्कैप्यूला, और यहाँ से एक बोन जो है ना वो ऐसे सामने स्टर्नम, ये क्या है, स्टर्नम। स्टर्नम क्या होता है, चेस्ट बोन होती है सामने की साइड पे, जिसके साथ क्या अटैच होती हैं, रिब्स अटैच होती हैं। इसी के साथ हमारे पास एक बोन अटैच होती है जिसे हम क्लेविकल कहते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, क्लेविकल है। ये क्लेविकल यहाँ पे नेक के सामने यहाँ पे मौजूद होती है। ठीक है, सो ये क्लेविकल बोन क्या करती है, स्कैप्यूला को स्टर्नम के साथ अटैच करती है। ये कॉलर बोन भी कहलाती है, ये ब्यूटी बोन भी कहलाती है। ठीक है, सो दो, टू बोन्स ऑफ स्कैप्यूला एंड टू बोन्स ऑफ क्लेविकल, ये दो क्लेविकल, ये दो स्कैप्यूला, ये चार बोन्स जो है ना वो मिलके क्या बनाती हैं, पेक्टोरल गर्डल यानी के शोल्डर्स। ठीक है, उसके बाद जो है ना हम स्टार्ट करते हैं फोर लिम्स को। सो फोर लिम्स में हमारे पास सबसे पहले आर्म की बोन्स हैं, जिसमें से ये जो ऊपर वाली बोन है, बड़ी बोन, इसे हम कहते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें दो बोन्स होती हैं। ठीक है, एक इस साइड पे थंब वाली साइड पे और एक इस वाली साइड पे, लिटिल फिंगर वाली साइड पे। ठीक है, सो ये जो दो बोन्स हैं, एक को हम कहते हैं रेडियस और उसके साथ क्या मौजूद है, अल्ना। सो ये तीन बोन्स जो हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, हमारी आर्म में, 1, 2, 3। और अगर दोनों आर्म्स की बात करें तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 कितनी हो जाती हैं, टोटल 6। तो ये हमारे पास 6 बोन्स कहाँ पाई जाती हैं, इन आर्म, बाजू में। उसके बाद जो है ना वो हमारे पास इन तीन बोन्स के बाद ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, इसके बाद होती है रिस्ट बोन, कलाई कहते हैं जिसे हम। इस रिस्ट में जो बोन्स पाई जाती हैं उनकी तादाद है जी 8 कार्पल्स, और इन बोन्स का क्या नाम है, कार्पल्स। तो ये जो छोटी छोटी बोन्स आपस में मिलके ये रिस्ट बनाती हैं, इन बोन्स को हम कहते हैं कार्पल्स। कितनी है, 8 हैं। उसके बाद जो है ना ये वाली बोन्स हैं कार्पल्स के बाद, 1, 2,
3, 4 and 5 जो के कार्पल्स को अटैच करती हैं फिंगर्स के साथ। तो ये 5 बोन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इन्हें हम कहते हैं 5 मेटाकार्पल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 क्या हैं, मेटाकार्पल्स। और उसके बाद जो हमारी फिंगर्स वाली और थंब वाली बोन्स हैं, ये छोटी छोटी बोन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14। तो इन 14 को हम कहते हैं फेलेंजेस। ठीक है, इन सबको डबल कर लेंगे, 3 बोन्स अगर हम एक आर्म की बात कर रहे हैं ना, कि हमने एक साइड की सारी बोन्स काउंट की हैं, सो 3 बोन्स इन आर्म, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स, 14 फेलेंजेस, इनको हम डबल कर लेंगे क्योंकि हमने अपनी दोनों आर्म्स की जो है वो बोन्स काउंट करनी है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है ना वो दूसरा पोर्शन है पेल्विक गर्डल का। ये पेक्टोरल गर्डल कंप्लीट हो गया, इसके अंदर जो है ना वो हम जॉइंट्स भी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, जॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ पे दो बोन्स आपस में मीट करें, जहाँ दो हड्डियाँ मिलती हैं वहाँ पे क्या बन जाता है, जॉइंट बन जाता है। तो ये हमारा शोल्डर है, दैट इज़ मेड अप ऑफ क्लेविकल एंड स्कैप्यूला, और यहाँ पर जो है वो एक सॉकेट बनती है, एक गोल पोर्शन बनता है। ठीक है, उसके अंदर ये वाली बोन अटैच होती है ह्यूमरस की, सो वो इस तरह अटैच होती है बॉल की सूरत में, ये सॉकेट एंड दिस इज़ बॉल, सो दिस जॉइंट इज़ कॉल्ड एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो हमारे पास शोल्डर और ह्यूमरस के दरमियान में बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास कौन सी आती है जी, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, ये ऊपर बोन है, ये नीचे हैं दो बोन्स, और ये देखें जॉइंट मूव कर रहा है इन वन प्लेन इन टू डायरेक्शंस। तो ये जो टू डायरेक्शंस में मूव करने वाला जॉइंट होता है इसे हम हिंज जॉइंट कहते हैं। ठीक है, हिंज जॉइंट कहते हैं इसे हम। तो पहला जॉइंट जो मैंने बताया है वो कौन सा था, बॉल एंड सॉकेट, जो कि थ्री डायमेंशनली मूव कर सकता है। और दूसरा कौन सा बताया है, हिंज जॉइंट, जो कि हमारी ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना के दरमियान है, हिंज जॉइंट। उसके बाद हमारे पास ये है जी मेटा कार्पल्स हैं, और उसके आगे मेटा कार्पल्स हैं। तो ये जो कार्पल्स हैं ना, ये क्योंकि 8 बोन्स हैं वो अरेंज हैं एक दूसरे के साथ, तो इनके पास जो है वो मल्टी स्टेज जॉइंट्स पाए जाते हैं, मल्टी स्टेज जॉइंट्स। यहाँ पे डिफरेंट तरह की मूवमेंट्स हैं जिसमें हम अपनी रिस्ट को जो है वो ऐसे रोटेट भी करवा सकते हैं, ऐसे ऊपर नीचे भी मूव करवा सकते हैं। तो यहाँ पे पाइवट जॉइंट भी है, पाइवट जॉइंट किसे कहते हैं, जिसमें एक बोन ऐसे रिंग की तरह हो और दूसरी उसके अंदर फिक्स हुई हो और ऐसे ऐसे रोटेट कर सकती हो। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एटलस और एक्सिस वाली बोन के बारे में बताया था कि हमारी एटलस और एक्सिस की वजह से हम अपने स्कल को इस तरह से मूव करवा सकते हैं। ठीक है, सो इसी तरह हमारी ये मल्टी स्टेज जॉइंट्स में हिंज जॉइंट भी शामिल है, पाइवट जॉइंट भी शामिल है। ठीक है, सो ये 3 जॉइंट्स हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, और ये जो है ना वो हमारे पास मल्टी स्टेज जॉइंट्स हैं जिसमें मुख्तलिफ तरह की मूवमेंट्स हैं। तो जॉइंट्स भी क्या हैं, मुख्तलिफ तरह के हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जी पेल्विक गर्डल पे। पेल्विक गर्डल कौन सा पोर्शन है, हिप पोर्शन है। और पेल्विक गर्डल को बनाने के लिए ऐसे हार्ट शेप जो है ना वो स्ट्रक्चर मौजूद होता है हिप का, इस तरह से। इसके बीच में सैक्रम और कॉकिक्स होती है, टेल बोन, सैक्रम जो कि 5 बोन्स के फ्यूज़ होने से बनती है, और कॉकिक्स जो कि 4 बोन्स के फ्यूज़ होने से बनती है। सो इसी के बाहर जो है ना वो ऐसे बोनी स्ट्रक्चर होता है, और ये बोनी स्ट्रक्चर ये हार्ट शेप बनता है। इस एक बोन को हम कहते हैं कोएक्सल बोन, कोएक्सल बोन, और ये दूसरी कोएक्सल बोन। ये एक कोएक्सल बोन जो है वो 3 बोन्स के मिलने से बनती हैं, जिसमें से एक बोन है जी इलियम, दूसरी है ईशियम और तीसरी है प्यूबिस। क्योंकि ये तीनों बोन्स फ्यूज़ होती हैं ऐसे, इलियम, फिर थोड़ा सा हिस्सा ईशियम का और बाकी प्यूबिस का, तो क्योंकि ये आपस में फ्यूज़ हुई होती हैं तो ये 3 बोन्स आफ्टर फ्यूजन जो है वो एक बड़ी बोन बनाती हैं, कोएक्सल बोन। इसी तरह ये दूसरी है, ये भी इलियम, ईशियम और प्यूबिस से जो है वो बनी होती है। तो वैसे तो ये 6 बोन्स हैं,
जो कि पेल्विक गर्डल बनाती हैं, लेकिन क्योंकि वो फ्यूज़ हुई होती हैं इसलिए वो दो कंसीडर होती हैं, टू लार्ज कोएक्सियल बोन्स। सो ये दो बोन्स हैं जो कि तीन और तीन की फ्यूजन से बनी हैं, ये क्या बनाती हैं जी, पेल्विक गर्डल। फिर उसके बाद जो है हम पेल्विक गर्डल की बोन्स यहाँ लिख लेते हैं, हमारे पास पेल्विक गर्डल इज मेड अप ऑफ टू कोएक्सियल बोन्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स, इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस। फिर उसके बाद जो है ना वो हम स्टार्ट करते हैं हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स क्या है जी, लेग्स वाला पार्ट है। लेग्स में एक पोर्शन होता है थाई बोन, थाई बोन दैट इज़ द लार्जेस्ट बोन आवर ऑफ आवर बॉडी, बड़ी बोन है। तो वो जो थाई बोन है उसका नाम है फीमर, थाई बोन का नाम है फीमर। फिर उसके बाद जो शैंक वाला पोर्शन है, थाई से नीचे वाला जो पोर्शन है लेग का, उसके अंदर पाई जाती हैं जी टिबिया एंड फिब्यूला। ठीक है, फीमर, टिबिया, फिब्यूला, जैसे यहाँ पर थी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ऐसे यहाँ पर है फीमर, टिबिया, फिब्यूला। ठीक है, अब जो यहाँ पे एल्बो है ना, एल्बो में कोई स्पेशल बोन नहीं मौजूद, कोई अलग से बोन नहीं मौजूद, ये ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना का ही जॉइंट है, हिंड जॉइंट जो मूवमेंट करवाता है। लेकिन थाई बोन में और शैंक के दरमियान में जो है वो मौजूद है नी वाला पोर्शन, घुटने वाला पोर्शन, उसमें एक राउंड बॉल जैसी बोन पाई जाती है जिसे हम पैटिला कहते हैं। ठीक है, सो फीमर, टिबिया और फिब्यूला के दरमियान में एक बॉल जैसी बोन होती है जिसे हम पैटिला कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी नीचे एंकल पर, एंकल पर बोन्स होती हैं सेवन टार्सल्स। जैसे हमने रिस्ट की बात की थी ना, रिस्ट की कलाई में आठ कार्पल्स थे, यहाँ पर सात हैं और टार्सल्स हैं, आठ नहीं हैं। वो जो आठवीं है ना वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी है पैटिला। जितनी बोन्स फोर लिम्स में होती हैं उतनी ही बोन्स हाइंड लिम्स में होती हैं। तो ये एक जो है ना वो क्या है, पैटिला। फिर सात क्या है, टार्सल्स हैं, आठ नहीं हैं। फिर सेवन टार्सल्स के बाद जैसे यहाँ पर मेटा कार्पल्स थे, इसी तरह यहाँ पर क्या है, फाइव मेटा टार्सल्स। और जैसे यहाँ पर 14 फेलेंजेस थे, इसी तरह यहाँ पर भी क्या हैं, 14 फेलेंजेस। और जॉइंट्स भी बिल्कुल वही हैं, ये जो थाई बोन हिप बोन के साथ बनाती है, थाई बोन जो हिप बोन के साथ बनाती है, दैट इज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर फीमर जो टिबिया और फिब्यूला के साथ बनाती है, दैट इज़ हिंज जॉइंट। और फिर नीचे एंकल में जो है वो मल्टी स्टेज जॉइंट्स पाए जाते हैं। सो जॉइंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट इनके सेम हैं। 54 बोन्स जो हैं वो फोर लिम्स में हैं और 54 बोन्स जो हैं वो हाइंड लिम्स में हैं। दोनों दोनों की लिम्स की काउंट करेंगे, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। ठीक है, सो ये हमारा जो स्केलेटन था ये कौन सा था, अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब हम बुक से भी देख लेते हैं कि आपने जो है वो क्या लर्न करना है और आप बोन्स कहाँ से देख सकते हैं। जी हमारे पास है पेज नंबर 32, ये देखें क्लास, ये हमारे पास पेज नंबर 32 है। इसके ऊपर ये स्कल की बोन्स दिखाई हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, ये स्कल बोन्स हैं सारी। और उसके बाद ये है जी पेज नंबर 33, इसमें हमारे पास पूरा स्केलेटन दिखाया हुआ है, पेक्टोरल गर्डल दिखाया हुआ है, क्लेविकल बोन भी दिखाई है, स्कैप्यूला भी दिखाई हुई है, कोएक्सियल बोन्स भी दिखाई हैं, इलियम, ईशियम, प्यूबिस में शो किया हुआ है। सो ये स्केलेटन जो है इसमें सारी बोन्स क्लियर हैं, थाई बोन भी है, फीमर, टिबिया, फिब्यूला, फेलेंजेस, ये सब कुछ इस स्केलेटन में जो है वो शो हुआ हुआ है। सो आपने इसको देखते जाना है और सारी बोन्स जो है वो लर्न कर लेनी है। ये बोन्स जो हैं वो जाती हैं पेज नंबर 34 पर जॉइंट से पहले तक, आपने जो है वो इन्हें लर्न कर लेना है। ये MCQs के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्दर लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।